मीडिया असम मिजोरम बॉर्डर झड़प पर खामोश है क्योंकि ये सब मजबूत पीएम के रहते हो रहा है। रवीश कुमार नमस्कार। मिजोरम और असम की सीमा पर कल पूरे दिन तनाव रहा, बल्कि यह तनाव कई दिनों से बना हुआ है। दोनों तरफ के लोग आमने सामने हो गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मिजोरम की तरफ से चली गोली में असम के 6 पुलिस जवान मारे गए हैं। दोपहर 1:50 पर मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए ट्वीट किया कि अमित शाह जी कुछ कीजिए, हिंसा को रोकिए। मुख्यमंत्री जोर मथंगा ने हिंसा का वीडियो ट्वीट किया था। इसके कुछ देर बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी अपना वीडियो ट्वीट किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मिजोरम के पुलिस अधीक्षक हम लोगों से कह रहे हैं कि जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे तब तक उनके नागरिक ना तो सुनेंगे ना हिंसा रोकेंगे। ऐसे हालात में हम सरकार कैसे चला सकते हैं। जवाब में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोर मथंगा ने भी हेमंत विश्व शर्मा को टैग किया और लिखा कि अमित शाह जी के साथ हुई सौहार्दपूर्ण बैठक के बाद भी ये हैरानी की बात है कि असम पुलिस की 2 टुकड़ियों और नागरिकों ने मिजोरम की सीमा के भीतर घुसकर वहां के निवासियों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस तरह से पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से झगड़ते रहे और जमीन पर दोनों तरफ के लोग आमने सामने बने रहे, अपना अपना वीडियो जारी कर दावा करते रहे कि दूसरी तरफ से हिंसा हो रही है। मिजोरम और असम की सीमा पर तनाव कई दिनों से बना हुआ था। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर का दौरा किया था, शिलांग में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों से बात की थी। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में आंदोलन, आतंकवाद और हथियार का दौर खत्म हो गया है। इस बयान के 2 दिन बाद मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री पहले झगड़ते हैं और फिर सुलह का दावा करते हैं। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है जिसमें बीजेपी सहयोगी है, असम में बीजेपी की सरकार है। राजनीति में ट्विटर का इस्तेमाल ट्रोल पैदा करने के लिए हुआ। राजनीतिक समर्थन की कीमत लोगों को ट्रोल बनाकर वसूली गई। इस प्रक्रिया में राजनेता भी ट्रोल बन गए हैं, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा तो तब के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जवाब दिया और अनाप शनाप कहा, जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से ही दिया जाना चाहिए था। हिंदी प्रदेश के चैनलों में पूर्वोत्तर को लेकर वैसे ही खामोशी रहती है। 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सार्वजनिक कहासुनी उनके लिए खबर नहीं है। खबर करेंगे तो फिर उस सवाल से टकराना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा नाकाम रहा और मजबूत नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री मोदी के रहते ये सब हो रहा है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहें बोलता हिंदुस्तान के साथ।